फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं हॉटस्पॉट पासवर्ड हम कैसे चेक कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये रियलमी का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है। तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स सेटिंग पर। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और कनेक्टिंग शेयरिंग वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पर्सनल हॉटस्पॉट पर जाना है और आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है हॉटस्पॉट सेटिंग, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपना पासवर्ड चेक कर सकते हैं और फैन चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने चेंज कर दिया और यहाँ पर 8 डिजिट का ऑप्शन डालना, मतलब 8 डिजिट का आपको पासवर्ड डालना होगा, तभी आपका ये मतलब इस तरीके से चेंज हो सकता है। राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपका चेंज हो जाएगा। और फैंस, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो सेटिंग पर जाएंगे, सर्च वाले ऑप्शन पर जाएंगे और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है हॉटस्पॉट, यहाँ पे पर्सनल हॉटस्पॉट भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपका शो हो जाएगा, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर पासवर्ड पे जाएंगे, चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। सिक्योरिटी पे जाएंगे तो सिक्योरिटी भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं AP बैंड पे जाएंगे तो यहाँ पर 2.4 भी कर सकते हैं, 5 GB बैंड भी कर सकते हैं, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर बैक करेंगे, बैक करने में आप देख सकते हैं पर्सनल हॉटस्पॉट है, तो पर्सनल हॉटस्पॉट को भी ऑन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, QR कोड के जरिए भी आप इसे ऑन कर सकते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप अपना नेट किसी और के फ़ोन में भी चला सकते हैं, मतलब उसको हॉटस्पॉट अपना दे सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए।